ममता, अक्षय तुम लोग कहाँ रह गए थे बेटा? चिंता में हमारी जान निकली जा रही थी। हाँ बेटा अक्षय, आज तक तुम लोगों ने इतनी देर नहीं की, कहाँ रह गए थे तुम लोग? पापू जी, वो हमें गुंडों ने घेर लिया था। गुंडों ने? तुम लोग ठीक तो हो ना बेटा? कहीं कोई चोट वोट तो नहीं आई? ना, कुछ नहीं हुआ, हम लोग बिल्कुल ठीक है। ममता थोड़ी सी डर गई। और लेकिन बेटा हुआ क्या था? डैड, हम लोग खाना खाकर घर लौट रहे थे, तभी लूटने के इरादे से कुछ गुंडों ने हमें घेर लिया। वो तो अच्छा हुआ, एक भले इंसान ने वक्त पर आकर हमारी मदद कर दी। कौन था वो इंसान? पता नहीं। वो जो भी हो, उसने हमारे बहू बेटी की जान बचाई, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? भगवान उसका भला करे। बेटा, तुमने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई? डैड, जब कुछ नुकसान हुआ ही नहीं तो फिर पुलिस में रिपोर्ट लिखा कर क्या फायदा? क्रिश को नींद आ रही, मैं उसे सुला कर आता। जाओ बेटा, तुम दोनों भी जाकर आराम करो, थक गए होंगे तुम लोग। क्या रिश्ता है इन लोगों से मेरा? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आता? क्यों ये तस्वीर मेरे लिए एक तस्वीर मात्र है? मुझसे कोई लगाव सा क्यों नहीं लगता इनसे? क्या करूं, इतने बड़े घर में कुछ तो ऐसा होगा जो मेरी आइडेंटिटी बता सके। सर्टिफिकेट? ये तो मेरा सर्टिफिकेट है, मेरा नाम, यानी मैं एक लॉयर था। मैं लॉयर हूं। सिर्फ एक सर्टिफिकेट? और मुझे कुछ क्यों नहीं मिल रहा है जो मुझे मेरी पिछली जिंदगी याद दिला सके? हे भगवान, क्या करूं मैं, क्या करूं? क्या बात है ममता? कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं तो फिर तुम सो क्यों नहीं रही? करवटें क्यों बदल रही हो? तुम्हें नींद नहीं आ रही? पता नहीं क्यों अक्षय, पर आज के हादसे ने मुझे बहुत डरा दिया है। अगर तुम्हें या कृष को कुछ हो जाता कुछ तुम्हें... तो नहीं ना, फिर डर कैसा? चल सो जा। अक्षय, पर कुछ हो भी तो सकता था ना? अगर तुम्हें या कृष को कुछ भी हो जाता तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। ममता, मुझे और कृष को कुछ नहीं हुआ है। भगवान के आशीर्वाद से वो भला आदमी वहां पर पहुंच गया और सब कुछ ठीक है। हाँ अक्षय, आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं जो अजनबियों की मदद करते हो। भगवान उस भले आदमी का हमेशा भला करे। नहीं मामा, मुझे पापा से ही स्टोरी सुनी। पापा के स्टोरी सुनाए बगैर मुझे नींद नहीं आती। रिया बेटा, पापा को आज बहुत ही जरूरी काम से ऑफिस जाना पड़ा और उन्हें वहीं रह जाना पड़ा। आज मैं तुम्हें सुलाती हूँ। नहीं मामा, मुझे पापा से ही कहानी सुनिए। अगर मैं
पापा से बगैर कहानी सुनाए सो के तो मुझे पूरे पूरे सपने आते हैं। पापा की कहानी से सारे बैड ड्रीम्स भाग जाते हैं और सिर्फ स्वीट ड्रीम्स आते हैं। मेरी जिंदगी भी तो किसी खराब सपने से कम नहीं है रिया। अब तुम्हें कैसे बताऊं कि सिर्फ तुम्हारे लिए मैं एक झूठी जिंदगी जी रही हूं। क्या हुआ मम्मा? कुछ नहीं बेटा, तुम तो मेरी बात मानोगी नहीं, लेकिन आज मम्मा तुम्हें गाना गाकर सुलाएगी, कल जब तुम्हारी आंख खुलेगी तो पापा तुम्हारे पास होंगे। सच मम्मा? बिल्कुल सच। कब आओगे सिद्ध? बहुत मुश्किल से सुलाया रिया को, बहुत मिस कर रही थी तुम्हें। मैंने उसे प्रॉमिस किया है कि कल सुबह तुम उसके पास रहोगे। तुम्हारा प्रॉमिस नहीं टूटेगा, मैं कल सुबह जरूर आ जाऊंगा। माची, मैं रिया के यहाँ पर जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए तो आते समय ले आऊँगी। ये लिस्ट है बेटा, ये चीज़ें ले दिया ना। अब रिया की तबीयत कैसी है? माँ जी ठीक ही है, आप तो जानती ही हैं कि सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। वो तो है बेटा। ममता, मैं सोच रही थी कि क्यों ना तुम लोग रिया के असली पापा का पता लगाओ। माँ जी आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर मुझे नहीं पता कि रिया के पापा कौन है। तो पता करो ना बेटा, तुम अनामिका से बात करके देखो, फिर तुम और अक्षय उसे ढूंढने की कोशिश करो। तुम अगर रिया के पापा का पता लगा सको तो अनामिका और रिया के लिए बहुत बड़ी मदद होगी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं माँ जी, हमें पता करना ही चाहिए कि रिया के असली पापा कौन है, कहाँ है, और ये बात मुझे सिर्फ अनामिका बता सकती है। अरे ममता, तुम रिया के घर जा रही हो ना? हाँ, क्यों? मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है, क्यों ना हम रिया के असली पापा के बारे में कुछ पता करें। अक्षय, माँ जी भी अभी यही बोल रही थी, ये हम सबके लिए बहुत अच्छा होगा। हाँ, हमें रिया के पापा का पता लगाना ही होगा, इससे रिया को अपने पापा मिल जाएंगे और सिद्ध को अपनी झूठी पहचान और झूठी जिंदगी से आजादी। तुम ठीक कह रही हो। मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। रिया, तुम कैसी बातें कर रही हो? नहीं, ठीक कह रही हूँ मैं। अगर आप मुझे प्यार करते हो, तो मुझे कभी छोड़ कर नहीं जाते थे। मैं आपको कितना मिस करती है। रिया, पापा का बहुत काम था ना? झूठ, आप आजकल मुझसे बहुत दूर रहने लगे हो। आप मुझसे प्यार भी नहीं करते। क्या हुआ पापा? क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? रिया, रिया, I'm sorry. I'm very, very sorry. तुम मेरी अच्छी बेटी हो ना, प्यारी बेटी हो ना। पापा बाहर गया था काम से, इसलिए। नहीं पापा, आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। प्रॉमिस मी पापा, प्रॉमिस मी। प्रॉमिस, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ओके?
हाय सिद्ध। अनामिका क्या बात है? आओ मेरे साथ। अनामिका क्या बात है? कुछ नहीं। कोई बात तो जरूर है, सिद्ध बहुत डिस्टर्ब लग रहा था और रिया भी खुश नहीं नजर आ रही थी। बहुत मुश्किल है ममता, ऐसे हालातों में जीना बहुत मुश्किल है। एक इंसान जिसे खुद नहीं पता कि वो कौन है, उसके लिए एक अनजाने रिश्ते को कायम रखना कितना मुश्किल होता है, और उससे भी मुश्किल होता है उसके लिए जो इन रिश्तों का साक्षी बना होता है। ममता मैं बहुत सोचती हूँ कि इन उलझनों को सुलझाने का कोई रास्ता निकल जाए, पर जहां भी देखूं अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। अनामिका मेरे पास एक रास्ता है, पर उस रास्ते पर रोशनी सिर्फ तुम डाल सकती हो। कैसा रास्ता? अनामिका क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम रिया की जिंदगी में वापस उसके पापा को ले आए? अनामिका हेलो अक्षय, बस अब बहुत हो गया। क्या हुआ सिड? क्या नहीं हुआ है, क्या नहीं हो रहा है, बस अब बर्दाश्त नहीं होता। झूठा नाम, झूठी जिंदगी, झूठे रिश्ते, थक चुका हूं मैं झूठ कहते कहते उस मासूम बच्ची से। नफरत होने लगी है मुझे अपने आप से। सिड, सिड। क्या सिड? सिड से आगे वैसे भी मैं कुछ नहीं जानता। क्या हूं मैं, कौन हूं मैं, कहां से आया हूं मैं? तुम लोग ने जो कुछ भी कहा, बस बस उस पर ही विश्वास करना पड़ा मुझे। सिड बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम इस सिचुएशन से बाहर निकल आओगे, ओके? तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुके हो, हम रास्ता ढूंढ चुके हैं, प्लीज रिलैक्स। सिड मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, बाय। मिस्टर राजदीप। हाय हाय हाय, सो नाइस टू सी यू। सेम हियर यार, उस दिन के लिए थैंक यू वंस अगेन। हाँ बेकार में बार बार, इट्स ऑलराइट, इट्स ओके। एक कप कॉफी हो जाए? एक्चुअली आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, फिर कभी। प्लीज मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। ओके कम ऑन। बेटा ये रास्ता जो तुमने सुझाया है बिल्कुल सही है, लेकिन इस रास्ते के मुसाफिर पहले ही अपने अपने रास्ते जा चुके हैं। मतलब? पति पत्नी के रिश्ते में एक बार कड़वाहट पैदा हो जाए तो फिर उसमें चाहे कितनी ही मिठास क्यों ना खोलो, वो कड़वाहट रह ही जाती है। ऐसा नहीं कि उन दोनों के रिश्ते में प्यार नहीं था, अनामिका ने अपनी मर्जी से शादी की थी अपने पसंद के लड़के के साथ। इसका मतलब दोनों की लव मैरिज थी? हाँ, अनामिका मेरी इकलौती बेटी है, बड़े लाड़ प्यार से पारा है मैंने उसे, कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, लेकिन क्या पता था कि उसका एक फैसला उसकी जिंदगी बदल देगा। आप काफी दिलचस्प इंसान हैं। ये तो बहुत गलत बात है। आप कल तुमने हमको अपना दोस्त कहा था, आज आप कह करके गैर बना रहे हो। मुझे लगा शायद तुम्हें मेरी दोस्ती मंजूर ना। लो भाई तुम्हारी मंगाई भी पूरी कॉफी पी ली,
अब तो मानते हो तुम्हारी दोस्ती मंजूर है? यकीन आ गया, लेकिन तुम्हें एक बात बतानी होगी। मैं कल से परेशान हूँ। जब मैंने तुम्हारा पर्स लौटाया तो तुमने ये क्यों कहा कि मैंने तुम्हारी जिंदगी लौटा दी? एक बात बताओ दोस्त, तुम्हारे लिए जिंदगी क्या है? वो जो तुम्हें मिल जाए या वो जो तुमसे खो जाए? मैं समझा नहीं। और तुम समझोगे भी नहीं। एक अरसे पहले मैंने अपनी जिंदगी को खो दिया था, लेकिन आज भी मैं अपनी जिंदगी को अपने पर्स में रखे घूमता हूं। मैंने कई बार अनामिका को समझाया, फिर भी उसने शादी कर ली। जब शादी कर ली तो कड़वाहट शुरू हो गई। ऐसा नहीं कि उन दोनों में प्यार नहीं था, लेकिन उन दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी, जिंदगी जीने का अंदाज अलग था, नजरिया अलग था। और फिर ऐसा रिश्ता कब तक टिक पाता? लेकिन इस सारी कड़वाहट में रिया हमारी जिंदगी में मिठास बनकर आई। दोस्त, कुछ खोने के बाद उसको पाने का मजा ही कुछ और होता है ना। और आज वो जिगर का टुकड़ा हमेशा मेरे इसी पर्स में रहता है। वो यादें जो तस्वीरें बन गई, उन्हीं को जिंदगी मान लिया है मैंने। यह है अनामिका का पति राजदीप। हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तुम मेरा नाम भी नहीं जानते। मेरा नाम अक्षय है। और मेरा नाम तो तुम जानते ही हो, राजदीप। थैंक यू दोस्त। राजदीप, अरे ये तो वही है जिसने हमें कल गुंडों से बचाया था।